So now we will be doing a two-way repeated measure in SPSS. We need to create six variables, as we talked about in the previous example, where we have two variables: a drink type of drink and type of imagery. We will be entering data like this, as the previous practice. I have entered each slide and each image. When I will be doing it in SPSS for you, so you can go back later and consult your notes and see how we entered the variable. सो so, हमने जो एग्ज़ाम्पल देखी थी जिसमें सिक्स कॉलम्स थे थ्री इंटू टू की ये एग्जैक्टली exactly वही है एग्जाम्पल uh, इसको आपको एस पी एस एस में अब डेटा डालना भी आता है हमने वन वे नोवा और टू वे नोवा और वन वे रिपीटेड मेयर में ऑलरेडी प्रैक्टिस भी की है आ, बिल्कुल उसी तरह से ही हम इसका डेटा डालेंगे और फिर हम एनालिसिस रन करेंगे नाउ लेट्स गो टू द एस पी एस एस फाइल एंड सी कि हमने डेटा कैसे डाला हुआ है तो ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी इसके अंदर डेटा डाल दिया हुआ है हमारा पहला कॉलम आईडी है यानी पार्टिसिपेंट्स का नंबर वन टू थ्री आप इधर नेम्स भी डाल सकते हैं हमारे पास पहला वेरिएबल कॉफी और दूसरा अल्कोहल है सो so कॉफी के त्रीन थ्री लेवल्स कॉफ़ी पॉजिटिव कॉफी नेगेटिव कॉफी न्यूट्रल एंड देन हमारे पास अल्कोहल के थ्री लेवल्स एल्कोहल पॉजिटिव एल्कोहल नेगेटिव एंड अल्कोहल न्यूट्रल के हमने डेटा डाल दिया हुआ है अब हम क्या करेंगे कि अब हम टू वे रिपीटेड मेयर एनोवा रन करेंगे वी विल गो टू एनालाइज एंड देन गेस वॉट बिल्कुल उसी तरह जैसा हमने पहले रिपीटेड मेयर किया वी विल गो टू जनरल लीनियर मॉडल एंड वी विल गो टू रिपीटेड मेयर्स जब हम इसमें आएंगे तो ये हमारे पास ये कैटलॉग खोलेगी इस तरह का बॉक्स और इसको हम बताएंगे कि फैक्टर वन यहाँ पे आप फैक्टर वन का नाम भी देख सकते हैं और वो हम दे सकते हैं कि टाइप ऑफ ड्रिंक और ना भी लिखें तब भी सही है टाइप ऑफ ड्रिंक और इसके अब कितने लेवल्स हैं टू लेवल्स हैं और आप इसको ऐड कर देंगे अच्छा मेरे ख्याल से मैंने उसमें स्पेस दे दी वेरिएबल नेम में एस एस स्पेस नहीं लेता और दूसरा हमारा लेवल है इमेजरी और इमेजरी के हमारे पास थ्री लेवल्स हैं हम इसको ऐड कर देंगे और हम इसको कहेंगे डिफाइन सो वी हैव वन वेरिएबल ड्रिंक टू लेवल्स अदर वेरिएबल इमेजरी थ्री लेवल्स वी विल गो डिफ़ाइन और डिफाइन के अंदर इसने ऑलरेडी थ्री इंटू टू सिक्स बना दी हैं वी शुड हैव डेटा इन ऑल दी सिक्स कैटेगरीज और हमारे पास है पहला कॉफ़ी पॉजिटिव कॉफी नेगेटिव और कॉफी न्यूट्रल अब दूसरे वेरिएबल के तीन लेवल्स जो के हैं अल्कोहल पॉजिटिव अल्कोहल नेगेटिव एंड अल्कोहल न्यूट्रल उसके बाद मॉडल को हमारा वैसे फिर फुल फैक्टोरियल होता है इसको बाई डिफ़ॉल्ट यही रहने दें प्लॉट्स के लिए आई ऑलवेज इंकरेज क्योंकि हमें इंटरेक्शन इफेक्ट का बहुत ज़्यादा पता प्लॉट से चलता है सो so यूजली हम क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जिसके लेवल्स ज़्यादा हम उसको दे देते हैं सेपरेट लाइंस जिसमें लेवल्स कम उसको देते हैं सो so इमेजरी के तीन लेवल्स हैं इट विल गो टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रिंक के टू लेवल्स हैं इसको हम सेपरेट लाइन से डिफाइन करेंगे ऐड जरूर करें और फिर कंटिन्यू कर दें पोस्ट हॉक में ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास उसके दो लेवल्स हैं और वो कंपेयर मीन्स में ऑलरेडी हमारे पास आ जाएगा यहाँ जाके आप उसको कह सकते हैं कि वो आपकी मीन्स को कंपेयर भी करें और कौन सा एल एस टी या बॉन फिरोनी दोनों यूज़ कर सकते हैं बॉन फिरोनी ज़्यादा चिंजेंट होता है इसको आई प्रेफर बॉन फ्रोनी फॉर फाइंडिंग द पोस्ट हॉक यानी पोस्ट हॉक का मतलब है कि किन दो ग्रुप्स में डिफरेंस जो तो है वो ज़्यादा है इसके अंदर हमें पता है कि हमने डिस्क्रिप्टिव को चेक करना है जैसा हमने पहले किया है इफ़ेक्ट साइज़ हमने डेफिनेटली देना है क्योंकि हमने बहुत दफ़ा बात की है कि इफ़ेक्ट साइज़ रिपोर्ट करना ज़रूरी है और होमोजेनाइटी हमारी टेस्ट की ज़रूरी है आपकी ये तीन चीज़ें मस्त हैं बाकी मेरे ख्याल से आप रहने दें क्योंकि तो वो थोड़ा एडवांस है और अभी फिलहाल बेसिक लेवल पे दिस इज मोर देन इन फॉर यू आई थिंक वी आर वेटी मच सेट वी विल हिट द ओके बटन एंड देन वी विल सी हाउ टू इंटरप्रेट द आउटपुट ऑफ द एस एस एस